अध्याय 16 के प्रश्नावली 1 का 5वां प्रश्न है। 1 से लेकर 4 तक के मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है ना, अब हम आगे देखेंगे। तो 5वां जो प्रश्न है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो 5वां जो प्रश्न है वो है, तालिका में अंतरराष्ट्रीय खेलों मतलब ओलंपिक में अधिकतम ऊंची कूद के आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों का औसत, बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो औसत निकालना है ना। औसत हम तो इससे पीछे की जो वीडियो है उसमें हमने देख लिया है ना, प्रश्नावली 1.1 के 1 से 4 तक के प्रश्न में। ठीक है, बहुलक हमने देखा है क्या, नहीं देखा है, और माध्यिका भी नहीं निकाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि औसत और माध्य दोनों एक है लेकिन माध्यिका अलग है। ठीक है, माध्य और औसत एक ही है, अलग नहीं है। अगर कहीं पे कहता है कि औसत निकालो या माध्य निकालो कहोगे तो आपको क्या करना है, औसत वाला ही सूत्र लगाना है। ठीक है, माध्य निकालने के लिए माध्य कहेगा तो औसत का ही सूत्र और माध्य दोनों एक ही समझना, लेकिन बहुलक अलग है और माध्यिका अलग है। ठीक है, इनके लिए अलग अलग सूत्रों का उपयोग होता है। फिलहाल ये प्रश्नावली 1 है तो यहाँ पे ज्यादा टफ प्रश्न नहीं रहेंगे। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं औसत से संबंधित प्रश्न आएगा। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से आएगा वो औसत से संबंधित प्रश्न रहेगा, और अधिकतर जो प्रश्न है वो प्रश्नावली 2 से आता है। प्रश्नावली 2 से, तो प्रश्नावली 2 में जो प्रश्न है ना उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और आपको याद भी रखना है। ठीक है, किसको, उसके सूत्रों को, बनाने के तरीके को या सूत्रों को आपको याद रखना है, तभी आप 4 नंबर का आएगा तो 4 में 4 पा सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इस 5वें प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो देखो 5वां प्रश्न में क्या दिया है, वर्ष दिया है और ऊंचाई मीटर में दिया हुआ है ना, 60 से लेके 2004 तक के दिया है, और हर एक में 4 का अंतर है, 4 साल का गैप, 60 के बाद 64, 64 के बाद 68, 68 के बाद 72, इस तरीके से 2004 तक के दिया हुआ है ना, और ऊंचाई जो मीटर में दिया है सभी को देख लो। ठीक है, सभी को आप लोग देख लेना। ठीक है, करना क्या है, हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। चलो मैं सूत्र लगाता हूं और सभी को क्या करेंगे, आंकड़ों का योग करेंगे और आंकड़ों की संख्या करके जोड़ देंगे है ना, और जितने संख्या उतने से इसे भाग दे देंगे। तो चलो यहाँ पे मैं सूत्र लगा देता हूँ। तो देखो ऊंची कूद का ही खेल था ना ओलंपिक का, तो ऊंची कूद का औसत, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं औसत। ठीक है, औसत लिख लो। औसत का सूत्र क्या होता है, औसत, जिसे हम क्या कहते हैं, माध्य भी बोलते हैं, याद रखना है ना। तो औसत फिर आंकड़ों का योग ये लिखते हैं, और नीचे में क्या लिखेंगे, आंकड़ों की संख्या, यही लिखते हैं, बिल्कुल, आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग जितने भी ऊंचाई जो मीटर में दिया हुआ था ना उनको अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो 1.85 प्लस 1.90 प्लस 1.82 प्लस 1.92 प्लस 1.93, फिर 1.97, फिर प्लस 2.02 प्लस 2.03, फिर प्लस 2.02, फिर प्लस 2.05, फिर प्लस लिखना है, फिर 2.01, फिर प्लस लिखना है 2.06। ठीक है, संख्या गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 है, तो आंकड़ों की संख्या कितना हो गया, 12। तो 12 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखो कितना आसान प्रश्न है ना, और औसत को हम इस तरीके से x के ऊपर में बार में भी लिखते हैं। ठीक है, और इसे और क्या नाम से जानते हैं, औसत को माध्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना माध्य और औसत अलग नहीं है, माध्य के नाम से भी जानते हैं, इस तरीके से x के बार के रूप में भी लिखा जाता है, और औसत भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, तीनों एक ही है, अलग नहीं है, याद रखना। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर जो मान आएगा वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो जोड़ने पर मान आ रहा है 23.58 आएगा। ठीक है, 23.58 को 12 से क्या करना है, भाग देना है, और औसत या माध्य या फिर x के ऊपर बार इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ठीक है, चलो भाग करते हैं। तो देखो अगर आपको इसका भाग नहीं आता है, ठीक है, दशमलव में दिया तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा, तो करना क्या है, आपको इस तरीके से भाग कर देना है। ठीक है, 23 और ये 58 पूरा ले लो। ठीक है, दशमलव लिख सकते हो इस प्रकार से, चलो 12 से भाग करो, तो क्या होगा, 12 एकम 12। ठीक है,
बचे है कितना, यहाँ पे एक एक बचे है, एक पांच को हम क्या करेंगे उतार लेंगे। ठीक, अब ये जो पांच हमने उतारा है, ये पांच दशमलव वाला साइड में था ना, किस साइड में था, दशमलव वाले में, तो दशमलव वाले से ले रहे हैं तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव की संख्या को हमने यहाँ पे उतारा है। अब 12 का पारा फिर से पढ़ो, तो 12 निया कितना होता है 108, है ना, तो 12 निया 108 घटा दो, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16, मतलब 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 और ये भी 0। ठीक है, फिर 8 को उतार लेते हैं, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, तो ये रहा 72। ठीक है, इसको घटा देते हैं, कितना आएगा घटाने पर 6 और 0। ठीक है, शेष कितना आ रहा है 6 आ रहा है, चाहे तो हम आगे और हल कर सकते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, एक और 0 बस तो हमें लगाना है। ठीक है, फिर क्या होगा 12 पंचे 60, 5 बार गया ये रहा, चलो ये पूरा 0 प्राप्त हो गया है ना। तो इनको जब हमने भाग दिया तो कितना आया 1.965। ठीक है, और सभी मान मीटर में था तो मीटर में लिख लेते हैं। तो ये जो माध्य हमें प्राप्त हुआ, या हम इसे कहें औसत, कितना प्राप्त हुआ 1.965 मीटर हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, यहाँ पे आपको लिख लेना है, अतः औसत, कोष्ठक के अंदर हम माध्य भी लिख देते हैं क्योंकि को माध्य और औसत अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, 1.965 मीटर होगा। ठीक, इस तरीके से औसत निकल गया। ठीक, अब बहुलक निकालते हैं। देखो बहुलक कैसे निकालोगे, तो बहुलक जो है ना, नंबर दिया है ना, जो ऊंचाई में जो कूद रहा है, तो कितना कितना मीटर कूद रहा है, वही तो है ना। ठीक है, तो उनको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा, उनको हम कहते हैं आंकड़े कहते हैं। ठीक है, आंकड़े हमें क्या क्या प्राप्त हुए, तो आंकड़ों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या क्या आंकड़ा है, तो पहला जो था वो 1.85 था। ठीक है, दूसरा जो आंकड़ा है 1.90 था, तीसरा आंकड़ा जो था वो 1.82 था, चौथा आंकड़ा 1.92, पांचवा आंकड़ा 1.93, फिर छठवां आंकड़ा जो है वो 1.97 था, सातवां आंकड़ा है 1 दशमलव, नहीं अब आ गया 2 दशमलव, आ गया 2.02। ठीक है, फिर आठवां है 2.03, फिर वापस 2.02 आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ। फिर 2.05, फिर 2.01, फिर 2.06, कितने आंकड़े हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 आंकड़े हैं, है ना, 12 आंकड़े। अब टेली चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, टेली चिन्ह, ठीक, टेली चिन्ह हो गया, और यहाँ पे हम बारंबारता लिखेंगे। ठीक है, निकाल क्या रहे हैं, बहुलक निकाल रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि बहुलक होता क्या है रियल में। बहुलक का मतलब होता है ऐसा मान जो ज्यादा बार आया हो। ठीक है, ज्यादा बार आया हो, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूं प्रूफ करके। देखो इनमें से कोई मान सेम टू सेम है कि नहीं, देखो तो कोई भी मान यहाँ पे सेम टू सेम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक मान जरूर सेम टू सेम है, कौन सा, ये और ये, 2.02 और 2.02, बस यही मान है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा मान आया है, सभी मान एक एक बार आया है, लेकिन ये मान जो है वो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, कितने बार है, 2 बार। ठीक है, तो टेली चिन्ह में हम यहाँ पे एक लिखेंगे, ये ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जाता है। ठीक, एक एक फिर एक, देखो इसके सीध में, इसके सीध में, ये इसके सीध में, इसके सीध में भी एक, इसके सीध में भी एक, इसके सीध में भी एक। ठीक है, ये इसी तरीके से रहता है, एक अंडरलाइन टाइप से। ठीक है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। ठीक है, ठीक, अब यहां पे देखो कौन सा मान 2 बार आया है, ये मान 2 बार आया है ना, तो इसको मैं क्या करता हूं यहाँ पे इस तरीके से अलग कर लेता हूं। ठीक है, अब इनका एक और इनका एक, इनको मैं इस तरह से 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल। ठीक है, तो देखो 2.02, 2.02 कितने बार आया है, 2 बार, तो टेली चिन्ह में देखो सभी एक एक बार आया है, लेकिन 2.02 और 2.02 दोनों कितने बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूं, तो 2 अंडरलाइन इस तरीके से कर देना है। ठीक है, ठीक, अब चलो करेंगे क्या, बारंबारता लिखेंगे। अब बारंबारता में
इसी को हम वापस लिखेंगे ये एक इस तरीके से। ये हमारा अंग्रेजी वाला है, ये टेली चिन्ह वाला एक है ना, ये अंग्रेजी वाला है। दो नहीं, एक एक होगा क्योंकि एक बार आया ना, फिर एक, फिर एक, ये भी एक, ये भी एक, ठीक है। और इसको मैं डायरेक्ट दो लिख लेता हूँ, किसको, ये वाला मान, ठीक है। ये वाला मान जो है इसको मैं यहाँ पे दो लिख देता हूँ, ठीक है। दो मैंने लिख दिया क्योंकि हम यहाँ पे वापस नहीं लिखेंगे, हमें एक बार लेना है नंबर को। यहाँ पे मैंने दो बार ले लिया है, इसको आपको क्या करना है, मिटा देना है, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह से मिटा दोगे तो आपको क्या दिखाई दे, 2.02 दिखाई दे रहे हैं। तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, दो इस तरीके से लिख देना है, फिर दो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं इन तरीकों का उपयोग कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए, ठीक है। अब ये वाला नंबर है ना, तो ये वाला नंबर जो है इसको ले लेते हैं यहाँ पे, कितने बार है, एक बार। ये वाला तो हमने उपयोग कर लिया है, देख लो दो हमने लिख दिया है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको लेंगे एक बार, फिर एक बार, ठीक है, फिर एक एक बार। तो ये देखो सभी एक एक बार आया है, लेकिन 2.02 कितने बार आया, दो बार, टेली चिन्ह में भी दो बार इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। तो बहुलक हमारा क्या होगा, अब आपको पता चल गया होगा बहुलक क्या है। बहुलक है जो अधिक बार आता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक। तो देखो टेली चिन्ह में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, और बारंबारता में इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमारा बहुलक क्या है, 2.02 बहुलक होगा। तो 2.02 बहुलक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दो बार आया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो इनको हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे में लिख लेना है उपयुक्त ऊपर उपयुक्त आंकड़ों में सर्वाधिक सर्वाधिक 2.02 कितने बार आया भाई, दो बार है ना, दो बार आया है, अतः बहुलक क्या होगा, बहुलक 2.02 मीटर, ठीक है, होगा। तो बहुलक कितना होगा, 2.02, ठीक है। इस तरीके से बहुलक बहुलक भी निकालना सीख गए, ठीक है। ये प्रश्न अभी जो मैं बता रहा हूँ ये तो सब नॉर्मल प्रश्न है, प्रश्नावली जब हम दो में चलेंगे ना तो बहुलक निकालने का एक अलग सूत्र है, ठीक है, माध्यिका निकालने का अलग सूत्र है, ठीक है, समांतर माध्य निकालने का अलग सूत्र है। तो हम उन्हीं सूत्रों को उपयोग करके प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है। अभी ये नॉर्मल तरीका है, अगर ये प्रश्न आता है एग्जाम में तो आपको इसी तरीके से बताना है। ये सिंपल प्रश्न था, ठीक है, जिससे हम आसानी से किसी का भी बहुलक निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कठिन वाला प्रश्न प्रश्नावली दो में देखेंगे। चलो इसके बाद अब निकालने वाले हैं माध्यिका, है ना। तो माध्यिका निकालेंगे, तो देखो माध्यिका निकालेंगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये पूरा नंबर देखो, ये पूरा नंबर, ये पूरा नंबर मैं लिखूंगा, ठीक है, पूरा नंबर को लिखेंगे। और इस पूरे नंबर को लिखने के बाद ये नंबर कितने बार आ रहा है, आंकड़ों के, देखो आंकड़ों का योग है ना, तो आंकड़ों का योग नहीं करना है यहाँ पे मुझे, सिर्फ मुझे इस नंबर को बस लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद ये जो आंकड़ों की संख्या है यही क्या होगा, वहां पे एन का मान होगा, ठीक है, एन का मान। तो मैं ये नंबर पूरा लिख लेता हूं, तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो यहां पे आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, ठीक है, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो चलो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर 1.85 को लिखेंगे, फिर 1.90 को, फिर 1.92 को, फिर 1.93 को, फिर 1.97 को, फिर 2.01, फिर 2.02, दो बार आया ना, तो दो बार लिखेंगे, 2.02, फिर 2.03, फिर 2.05, और अंतिम है 2.06। गिन लो 12 है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12 संख्या है। तो 12 है तो संख्या कितना है, n बराबर हम इसे 12 कहेंगे, ठीक है। आंकड़ों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं और n का मान कितना है, 12 है, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो है ना n का मान किसमें है, सम में प्राप्त है, याद रखना, सम के लिए अलग सूत्र होता है, विषम के लिए अलग सूत्र होता है, ठीक है। तो ये जो n का मान है किसमें प्राप्त हुआ है, सम में। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पर n क्या है, सम है, ठीक है, n जो है वो सम संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए जो माध्यिका का सूत्र होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लगा देता हूं माध्यिका का सूत्र, माध्यिका
ठीक है, ये सम है इसलिए ना, सम के लिए अलग होते हैं, मैं दोनों का सूत्र बताऊंगा, अभी सम के लिए बता रहा हूं। ठीक है, एन का मान जब सम प्राप्त होगा तो आपको करना क्या है, एन अपान दो लिखना है, फिर वा पद लिखना है। ठीक है, एन अपान क्या करना है, दो लिखना है और वा पद लिखना है, फिर प्लस एन प्लस वन अपान दो, फिर वा पद। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है, फिर इसको भाग दे दे रहे हैं दो से। ठीक है, ये कब करना है आपको, जब एन का मान सम हो। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, तो अगर ऐसा हो तभी आपको ये सूत्र लगाना है। तो एन का मान यहाँ पे 12 है, मतलब सम संख्या है, तो आपको क्या करना है, पहले एन अपान दो वा पद लिखना है, ठीक है, फिर प्लस करना है, एन प्लस वन करके फिर अपान दो करके वा पद लगाना है, फिर अपान दो कर देना है। ठीक है, चलो हल करते हैं। देखो एन का मान कितना है, एन का मान 12, तो 12 अपान दो, ठीक है, यही है, वा पद लिखो। ठीक, फिर प्लस एन का मान यहाँ पे 12 है और एक और फिर दो, फिर वा पद और नीचे में दो, ये भाग हो जाएगा, कितना होगा, 2 एकम 2 छक्के, तो छठवा पद बचेगा है ना, छठवा पद प्लस, यहाँ पे ये कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा है ना, तो इसको हम देखो कितना है, 12 और एक सेकंड एक सेकंड, ये थोड़ा सा गलत हो गया है सूत्र, देखो सूत्र में थोड़ा सा गलती यहाँ पे मैंने कर दिया है, ये प्लस ना, ये कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, ये अलग है, ये प्लस यहाँ पे होगा, ये अकेला है, ये जो मान है अकेला है, ये कुछ इस प्रकार से, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एन अपान दो प्लस एक ऐसा होगा। ठीक है, इसका अर्थ अलग होता है, इसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, इस तरीके से एन प्लस वन अपान दो कर दिया था, तो ये अलग होता है ना, 12 1 13 हो जाता, ऐसा नहीं होता है, ये कुछ इस प्रकार से होगा सूत्र। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे मेरे से गलती हो गया था, एन अपान दो प्लस वन हो गया। ठीक, तो ये जो है, ये 2 एकम 2 छक्के 6 और 1 7, तो ये हो गया 7वां पद हो गया। ठीक है, और नीचे में क्या है, दो है। अब देखो छठवां पद और 7वां पद देखना है, तो किसको देखोगे आप लोग, इसको देखो, गिनो छठवां पद, हम पहले से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, छठवां पद में कितना दिया है, 1.97। क्रम से हम इसीलिए जमाते हैं क्योंकि हमें पद पता हो। ठीक है, क्रम से नहीं जमाएंगे तो हम किसी को भी उठा लेंगे और हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको क्रम से जमाना है जब भी माध्यिका निकालोगे। तो 1 2 3 4 5 6, छठवां पद क्या है, 1.97, तो छठवां पद की जगह में हम रख देंगे 1.97, और 7वां पद की जगह में, यह 7वां पद, तो 2.01, तो यहां पे मैं रखूंगा 2.01 अपान दो है ना। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये 7 और 1 8 हो गया, 0 और 9 9 हो गया। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया, 3 अपान 2, तो 3.98 आया। अब 2 से भाग कर दो, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बार 1 और 9 9 9 जो है दशमलव के उस पार है ना, भाग करेंगे तो इसको हम लेंगे, तो 1 और 9 19 हो जाएगा, तो 2 निया 18, 1 और 8 बटा, फिर 2 निया, तो 1.99 क्या है, इनका उत्तर है। ठीक है, 1.99 क्या प्राप्त हुआ, माध्यिका प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, अतः माध्यिका 1.99 होगा। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर है, समझ में आ गया माध्यिका वाला। अब मैं आपको विषम संख्या वाला सूत्र बता देता हूँ। ठीक है, जब विषम रहेगा तो आपको कौन सा लगाना है, देखो सम को आपको याद कर लेना, सम वाला याद हो गया। चलो यहाँ पे मैं एन का मान विषम रखता हूँ। ठीक है, मान लो एन का मान मैंने 11 रख दिया। ठीक है, एन का मान मैंने कितना रख दिया, 11, कुछ भी रख लो, विषम होना चाहिए, चाहे वो 5 रहे, चाहे वो 7 रहे, चाहे वो 9 रहे, चाहे 11 रहे, चाहे वो 101 रहे, चाहे वो 203 रहे, चाहे वो 1001 रहे। ठीक है, कुछ भी रहे, विषम रहेगा तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, माध्यिका का। बहुत सरल है, विषम वाला सबसे सरल होता है। तो देखो क्या करना है आपको, माध्यिका इस तरीके से लिखना है और सीधा एन प्लस वन अपान दो इस तरीके से करना है, और वा पद बस करना है, देखो डायरेक्ट बस इतना ही बस करना है, यही सूत्र लगेगा और कुछ नहीं लगाना है आपको। ठीक है, ये सबसे सरल प्रश्न है। और चलो यहाँ पे ये जो मान है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अंतिम मान को,
तो कितने पद हो गए, 11 पद हो गया, हो गया 11 पद। ठीक है, अब 11 पद हो गया तो देखो इसको अब हल कर लेते हैं, बहुत आसान है ना। देखो ये कितना हो गया, 11, एन का मान 11 हो जाएगा और प्लस 1 और अपान 2। हल करके भी दिखा देता हूं, ठीक है। 11 और 1 कितना हो गया, 12, 12 अपान 2 और यहाँ पे वा पद है ना, पद और यहाँ भी वा पद, 2 एकम 2 छक्के, ठीक है। तो अब आ गया छठवा पद। देखो सबसे सरल ये प्रश्न है, थोड़ा सा विषम वाला कठिन है, बाकी ये सरल है ना। छठवा पद देखो, छठवा पद में कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 1.97 रख दो यहाँ पे, 1.97, यही क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखो विषम सबसे सरल है, विषम का सूत्र अगर माध्यिका निकालते हो विषम के सूत्र से, मतलब विषम मान होता है n का मान, तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन सम होने पर थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, n अपान क्या करना है, 2 करना है, वापद लिखना है, फिर n अपान 2 प्लस 1, फिर क्या करो, वापद लिखोगे, ठीक है, फिर अपान 2 करोगे। तो ये सम वाला है, सम वाला सूत्र थोड़ा सा कठिन है, बस जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसे बना लोगे। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद छठवां प्रश्न देखो। 8 विद्यार्थियों का भार निम्न प्रकार है, ठीक है, 8 विद्यार्थियों का भार निम्न प्रकार है और इन 8 विद्यार्थियों का भार दिया है 30, 32, 33, 38, 37, 41, 35 और 40 दिया है। विद्यार्थी का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखो औसत क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, भार लिखा है क्या लिखा है मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन औसत शब्द जिक्र हुआ है यहाँ पे, मतलब क्या है, औसत या माध्यिका, इसी को हम औसत कहते हैं, इसी को माध्यिका कहते हैं, तो वही तो हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, औसत का सूत्र लगा देना है। तो इसमें प्रश्न में क्या दिया है, विद्यार्थियों का दिया ना, तो लिखो विद्यार्थियों का औसत, ठीक है, 8 विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थियों का औसत, फिर क्या लिखेंगे, आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों का या आंकड़ों की संख्या कहेंगे, है ना। अब इन 8 विद्यार्थी जो इस प्रश्न में दिया है उनको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो 30 दिया है, 32, 33, 38, 37, 41, फिर 35 और फिर अंतिम दिया है 40 दिया है, इस तरीके से, ठीक है। कितने हैं, 8 विद्यार्थी, तो 8 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, है ना, जोड़ दो अब इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, सभी को जोड़ेंगे तो 286 आएगा, तो 286 अपान 8, इसको मैं इस तरीके से एक्स बार के रूप में लिख लेता हूँ, ठीक है, हम इसे एक्स बार भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पे औसत भी लिख सकते हैं, इसे हम माध्यिका माध्य भी कहते हैं, ठीक है। चलो भाग कर दो, एक्स बार बराबर 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 3 24, कितना बचेगा, 2 और 8, तो 8 3 24, ठीक है, एक सेकेंड, 24, 8 16 8 3 24, ठीक है, नहीं, यहाँ पे गलत हुआ है, ये गलत है, इन सभी का जोड़ जो आया है वो 286 आया है, ठीक है, 8 3 24 3 हो गया, ठीक है, 3 के बाद अब बचा कितना है, 4 और 6 है ना, तो 4 और 6 46 हो गया, तो 46 को 8 से, मतलब 8 से भाग दो तो 46 कितने बार में आता है, 8 5 40, 5 बार, ठीक है, तो 5 बार हो गया, कितना शेष बच रहा है, 6 बच रहा है, 6 में दशमलव हम लगा देंगे, ठीक है, तो 7 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, मतलब 35.75 भार, मतलब क्या है, केजी है ना, किलोग्राम, तो किलोग्राम में हम इसे दर्शाएंगे, भार को किलोग्राम में दिया है प्रश्न में, तो जो माध्य निकला या हम उसे कहेंगे औसत, कितना आया, 35.75 किलोग्राम आया, ठीक है, अतः करके आप लोग यहाँ पे लिख लोगे, अतः विद्यार्थियों का औसत भार 35.75 किलोग्राम होगा, ठीक है। इस तरीके से छठवां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ एक प्रश्न और बचा है, इसको आपको खुद बनाना है, ठीक है, मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूँ, देखो क्या है, लगातार 5 वर्षों में किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है, बना लोगे प्रश्न, सबसे सरल है ये भी, पांच देखो क्या क्या दिया है, 5 वर्षों का है ना स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1150 है, 1250 है, 1360 है, 1275 है, 1310 दिया है, इन 5 वर्षों में स्कूल में औसतन कितने विद्यार्थी थे कह रहा है, ठीक है, करना क्या है, सभी को जोड़ देना है, 5 से भाग कर देना, भाग करने पर जो उत्तर आएगा वही क्या होगा, विद्यार्थियों की औसतन, मतलब औसत रहेगा ना, विद्यार्थियों का औसत निकल जाएगा। तो 7वां प्रश्न आप लोग बना लोगे,
बन भी जाएगा, बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद प्रश्नावली दो को देखेंगे।